हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रुति मिश्रा, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स इन हिंदी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना रिव्यू, जो कि है एलोवेरा एंड कुकुम्बर रिफ्रेशिंग बॉडी लोशन। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये लोशन कितना हेल्पफुल है समर्स के लिए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपना अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और वीडियो पसंद आने पे उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। हिमालय एलो एंड कुकुम्बर हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन। बॉडी लोशन हिमालय ने स्पेशली समर्स के लिए लॉन्च किया है। अगर बात करें इसके प्राइस की, ये 75 रुपीज़ का आता है। इसकी 100 ml की ये पैकेजिंग है। इसके साइज़ और भी बड़े बड़े आते हैं, लेकिन मैंने इसका छोटा ही बॉटल परचेज़ किया, क्योंकि मुझे समर्स में ज़्यादा बॉडी लोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ईज़ली लोकल स्टोर्स और ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो ये फ्लिप फ्लॉप पैकेजिंग में आता है, और इसके सारे जो डिटेल्स हैं वो बैक में मेंशन है। क्लेम डायरेक्शन और इसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, सब कुछ इसके बैक में मेंशन है। अब मैं रीड करती हूँ कि ये क्या क्लेम करता है। हिमालय एलो एंड कुकुम्बर रिफ्रेशिंग बॉडी लोशन हाइड्रा न्यूट्री बैलेंस कूल हाइड्रेट एंड रिफ्रेशेस फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये सारी स्किन टाइप के लिए है। इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं एलोवेरा जूस, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट्स, और बाकी इसमें बहुत सारे केमिकल्स भी प्रेजेंट हैं। ये पूरी तरीके से हर्बल प्रोडक्ट नहीं है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट फरवरी 2018 की है, और एक्सपायरी डेट जनवरी 2021 की है। काफ़ी टाइम तक का ये प्रोडक्ट आपका बना रहेगा। बॉडी लोशन जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं, तो इतना इफ़ेक्ट नहीं करता है। अगर बात करें इसकी स्मेल की, इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है। अगर आप नहा के आए हैं और उसको अप्लाई करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी रिफ्रेशिंग सी स्मेल आएगी। ये ज़्यादातर स्मेल हिमालय के लोशंस में आती है। ये हिमालय के ट्रेडमार्क स्मेल है लोशंस में। ज़्यादातर हर प्रोडक्ट में इनकी आती है स्मेल। मैं शो करती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। ये पूरी तरीके से फैल गई है। ये काफ़ी थिक नहीं है, बहुत लाइट सी है। बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन में, और ये स्किन को ऑयली नहीं करती है। मैं इसको समर्स में लगाती हूँ, मेरी स्किन ऑयली है, लेकिन ये स्किन को ऑयली नहीं करती है, और बहुत रिफ्रेशिंग सा फील होता है अप्लाई करने के बाद। आप देख सकते हैं ये स्किन में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गई है। इसमें कोई SPF नहीं है। ये मुझे थोड़ा सा कम पसंद आया, क्योंकि अगर समर्स के लोशन में SPF रहता है, तो हमें अलग से सनस्क्रीन नहीं परचेज करनी पड़ती है। ये बॉडी लोशन मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगी जो एक अफोर्डेबल प्राइस में लाइट वेट मॉइस्चराइज़र चाहते हैं, और उनको सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। जो अलग से सनस्क्रीन लगा लेंगे, या फिर वो जो धूप में नहीं जाते हैं, तो वो लोग ये प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं वर्किंग वूमेंस और स्कूल गोइंग गर्ल्स या कॉलेज गोइंग गर्ल्स को ये लोशन रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें SPF नहीं है। आप वो लोशन परचेज़ करें जिसमें SPF हो। चलिए, ये तो था मेरा शॉर्ट सा रिव्यू हिमालय एलो एंड कुकुम्बर हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आने पर उसको लाइक करिएगा, नहीं पसंद है तो आप उसको डिसलाइक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।